सो मैं आप लोगों से कुछ इन दी एंड कुछ ऐसे रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी जिससे हर कोई गुजरा है. सो वो आई डोंट थिंक सो कि उसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल होगा. मुश्किल क्या होगा कि 5 सेकंड में जवाब देने. जो भी मैं आपसे सवाल करूंगी उसका जवाब 5 सेकंड में देना है. और ये इशारा मैं किसी के ऊपर भी कर सकती हूँ. जो भी सवाल करूँ वो इशारा आरएस के ऊपर भी आ सकता है, इनायत के ऊपर भी आ सकता है, फातिमा के ऊपर भी आ सकता है. ओके, रेडी, गेट सेट, गो. बिजली बचाने के 3 तरीके. एक्स्ट्रा चीजें ऑफ कर दे, सिर्फ पंखा चलाए, सोलर सिस्टम भी लगा दे साथ साथ बिजली कम आए, और उसके बाद लाइट्स ऑन करें. सिर्फ पंखा, इतनी गर्मी में सिर्फ पंखा चलाए, सिर्फ लाइट्स ऑन करें. ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं. लाइट्स ऑन करें, सिर्फ लाइट्स ऑन करें. सर्दियां हैं, पंखे तो वैसे क्या कैंडल पे आती है बिजली की जरूरत है? लालटेन जलाएं, कम आएगा ना, पंखे नहीं चले. हम नहीं मानते, हम नहीं मान रहे. इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के 3 तरीके. पोस्ट करते रहें, स्टोरीज रीशेयर करें और हैशटैग्स यूज करें और खरीद ले. फॉलोअर्स वो आई गेस मैंने सुना है कि वो खरीद के गायब भी हो जाते हैं. नहीं, इंस्टा वाले भी रोकथाम कर सकते हैं, कुछ हो सकता है. यू नेवर नो, नेवर नो. ओके, रेडी? हाँ. अपना पासवर्ड, अपना मोबाइल का पासवर्ड अपने स्पाउस से छुपाने के 3 तरीके. कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है. हथियार डाल दिए गए हैं यहाँ पे. ये हम नहीं मानेंगे. ये मैंने मान लिया है. अच्छा, जज ने मान लिया है. ओके, मेरे लॉर्ड, ये तो मानना पड़ेगा. ओके, तुम नहीं जाते घर, हम तो जाते. बचपन में मार खाने की कोई 3 वजूहात. स्कूल से बंक मारना, ट्यूशन से भी बंक मारना. लेकिन सॉरी, 6 सेकंड. नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप अपना करें. 6 सेकंड हो गए आप. नहीं नहीं, मैं तो अच्छा, ठीक है ठीक है. ओके, रेडी? हाँ. शूट पे देर से आने के 3 बहाने. मैंने कभी बहाना नहीं किया. मैं तो मैं थोड़ी कह रही हूँ, तुम आइडियाज दो. 3 बहाने. ऐसा पोर्ट्रे होगा कि मैं कोई बहाने करती हूँ. या अल्लाह, प्लीज. 0 मार्क्स दो. शूट पे 3. मैं बताती हूँ, शूट पे 3. हाँ, वो बच्चा रो रहा था, बच्चे का पेट खराब हो गया. एक, लेकिन 5 सेकंड में बता रहे. दूसरा बहाना, वो गाड़ी नहीं आई, आपकी गाड़ी लेट पहुंची. और तीसरा, मेरी कंटिन्यूटी के कपड़े नहीं मिल रहे थे. लेट आने के 3 बहाने. ना आने के थोड़ी. सही सही सही. देखिए, मैं अगली दफा यही करना कि मैं ऐसे कोई बहाने नहीं करती. अगली दफा मैं तुम्हें आइडियाज दे रही हूँ. हाँ, क्योंकि मुझे मैं ये ब्रूटली ऑनेस्ट है वैसे. हाँ, मुझे पता है. मैंने तो नहीं देखा. मैं नहीं करती बहाने, बल्कि मेरी तबीयत खराब होती है तो भी मैं शूट पे आ जाती हूँ. ये मेरे साथ मसला है, पता नहीं, बचपन से कभी स्कूल भी मिस नहीं किया और शूट भी नहीं मिस होती. और बहाना करना नहीं आता, पता नहीं मुझे हंसी आ जाती है, कुछ ऐसे होता है. मैं नहीं कर सकती बहाना. नहीं करती. हाँ, चले भाई. ओके, कहीं से मुफ्त खाना खाने के 3 तरीके. दोस्त के पास चले जाओ. हाँ, रोना रोलो, शूट पे आ जाओ, वो भी खाना दे देते हैं. और मजार पे चले जाओ. बिल्कुल. गुड गुड गुड. पसंद की शादी करने के 3 नुकसान. टाइम देना पड़ता है, शॉपिंग के लिए साथ साथ जाना पड़ता है, उसके बाद जो सिर्फ उनकी चलती है बस. सिर्फ उनकी चलती है. हाँ ना, पसंद की शादी. ये ऐसे दिल से निकले, हालांकि अपनी नहीं हुई भी इनकी पसंद की. देखे, हमने 3 सेकंड में कामयाब है ना, तभी तो कह रहे हैं कि भाई पसंद का होता तो ये घर से बाहर निकल सकता. वहाँ बेगम ने कहा जो करना है कर. समझदार है तभी तो घर से बाहर है. क्या समझदार है तभी तो घर से बाहर है. देखो, मैं कभी कभार तुम्हारी नंद भी बन सकती हूँ. मेरा तुम्हारी मियाँ से भी रिश्ता है. बिल्कुल ऐसा ही है. आप मेरी नंद भी है, मेरी भाभी भी है. एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं अपने रूप बदल सकती हूँ. यस. ओके, मियाँ को मुट्ठी में रखने के कोई 3 तरीके. फातिमा, हाय, काश मुझे आते होते, काश मुझे आते होते, काश मुझे आते होते. 2-1 सेकंड में जवाब. रिकॉर्ड है ये, ये कोई नहीं तोड़ सकता. मैं वो भी मैं तुम्हें बता दूं. अच्छा अच्छा, मैं बताती हूं तुम्हें फातिमा. मासूम रहें, कोई चलाकी ना करें, ठीक है, सुन लें और अपनी भी सुनाएं. गुड, सही सही कह रही हूं. शौहर की एक माने वो आपकी 100 मानेगा. हां, शौहर ने भी आईडिया दे दिया. अच्छा, नहीं, तुम बीवियों को आइडिया दो. बीवियों को दिया? हाँ, नहीं, बीवियों को एक दिया ना, 3 दो आइडिया बीवियों को. शौहर की एक माने वो आपकी 100. शौहर को अपनी मुट्ठी में रखने के 3 मतलब 3 आइडियाज. शौहर की आप एक माने वो आपकी 100 मानेगा. एक, उसके घर वालों की इज्जत करें. ओके, दो. और गाड़ी खुद चलाए, मतलब उसको ड्राइव पे ले जाए. गाड़ी खुद चलाए मतलब? मैं अपना पर्सनली बात कर रहा हूं, मुझे ड्राइविंग अच्छी लगती है. बोला के दो आर इसको. आई डोंट लाइक टू ड्राइव. नहीं, अच्छा जॉब. हां, आई डोंट लाइक टू ड्राइव. आई कैन रिलेट विद दैट. या
Are you sure? मुझे जहर लगता है ड्राइव करना कराची में. मैं कहूँ बेगम आप ड्राइव करें. हाँ तो शौहर को चलानी चाहिए ना, ये तो कह रहा है. ये लोग बहुत चला के बीवी को ड्राइविंग सिखाते हैं और बच्चों को स्कूल से, फिर बेचारी को खुद ही पिक करना जाना पड़ता है. सुबह उठ के भी वो छोड़ने जाती है. हाँ, ये अगर आपको कोई कहे कि आप ड्राइविंग सीख लो, इट्स अ ट्रैप. हाँ, कभी भी नहीं सीखना. आप जिस दिन आपने सीखी ना, उस दिन से आपकी ड्यूटी लगना चाहिए. मैं ऐसी कोई ड्यूटी लेती ही नहीं. और मैं तो, मेरी तो आंखें खराब है, ड्राइविंग आती भी है, तो मैं तो, मेरे मियाँ तो रिस्क ही नहीं ले सकता कि बच्चों को लेने मैं जाऊँ. आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि उसको ड्राइविंग पसंद भी है. हाँ, उसकी आंखें भी ठीक है. हाँ, शौक है उसको ड्राइविंग का, तो वो करती है ज्यादा. तो अगर ड्राइवर ना हो और छोड़ना पड़े तो यासिर लेना पड़े तो यासिर, क्योंकि निदा की तो आंखें खराब है, मेरे बच्चों को मार देगी. तो यासिर कैसे नजर आते हैं आपको, दिमाग ही खराब? नहीं आए तभी तो शादी हो गई. इतने साल बाद कुछ नहीं होने का, टेंशन नहीं लो. ओके, हाँ, शोबिज में शादी करने के 3 फायदे. फातिमा, आपका पार्टनर आपके काम को अंडरस्टैंड करता है. आपका पार्टनर आपके काम को अंडरस्टैंड करता है और अंडरस्टैंड करता है, यही है. ये क्या बात हुई? और अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी और ब्रांचेस आ जाती हैं. अगर आप देर हो गई है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत. अगर आपको 1:30 बजे कोई मैसेज कर रहा है शूट का, तो वो अंडरस्टैंड करता है कि आपका काम का मैसेज है. अगर आपको कहीं भी आना जाना है, आप टाइम, आपके वर्किंग आज लंबे होते हैं, तो भी आपको अंडरस्टैंड करता है. और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी वो देख लेते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग पढ़ाना. अब आप एज मेल एक्टर बताएं, शोबिज में शादी करने के 3 फायदे. आपका पार्टनर नेचुरली आपके काम को अंडरस्टैंड करता है. दूसरा, पैसा एक घर में आता है. हाँ. तो वो तो अगर कोई डॉक्टर भी एक्टर से शादी करेगा तो पैसा तो एक ही घर में आएगा, और क्या मतलब. आजा, मेरी मर्जी, मेरा जवाब है. हाँ, लॉजिकल हो ना हो, मेरी मर्जी. और क्या? पैसा एक घर में आता है. हाँ. और दूसरा, फैशन सेंस ज्यादा अच्छी होती है लड़कियों की, तो उस तरह. नहीं, ये सही कह रहे हैं, वो पैसा नहीं बात है, बिल्कुल ठीक है आपके. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि डॉक्टर की बेगम को नहीं पता कि मेरा डॉक्टर कितना कमाता है. एक्ट्रेस की मतलब वो भी इतना कमा रही होती. दूसरा, ब्रांड्स भी लेते हैं आपको. हाँ, पैसों का. हाँ, ये फायदा होता है. आमदनी का पता होता है. हाँ, कि शौहर की आमदनी कितनी, क्योंकि हमारी इतनी है तो उनकी भी. बीवी को फजूल खर्ची से रोकने के कोई 3 तरीके. झूठ बोलो कि आज पैसे बहुत कम मिले. हाँ. दूसरी चीज ये है कि तनख्वाह कटो, महंगाई बहुत है. हाँ. और चौथी चीज ये है कि सेविंग करो जितना हो सके. नहीं, वो कैसे सुनेगी बहाने, उसको कैसे रोकोगे ये कह के कि सेविंग करो. कोई तो आइडिया दो. चलती है. इसका टैग है घर में, देख रहा हूँ मैं लड़के. भाभी सुन ले, चेक मिलता है और कहते मिला नहीं है. ये बंद कर देंगे मॉर्निंग शो जिस दिन आएगा, चलने नहीं देंगे घर में. ये 3 मुझे लगता है. सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू.